मेरे पति को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे फैसला लेना है कि मैं इस प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहूंगी या कोई कड़ा कदम उठाऊंगी। ओ क्लाउडिया की हॉट पिक, सच सच बताओ मुझे, तुम्हारा हमारे ग्रुप में किसी के साथ अफेयर चल रहा है क्या? देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है। आपका फैसला ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता है टोमास ने जो किया वो गलत था। वो तुम्हारे एक भी आंसू का हकदार नहीं है। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। अरे लियाना, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। देखिए, हमने बहुत ही सावधानी से जांच की है और जो सैंपल्स लिए गए थे वो भी बिल्कुल सही थे। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शांत होने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। देख के गाड़ी चलाना। इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग सुपर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों एक्स का फर्टिलाइजेशन अलग अलग संबंध में हुआ है। क्या तुम बच्चे के लिए राजी हो? मुझे फूल भेजना बंद करो, मैसेज करना भी बंद करो। वो जानता है ना कि असली खिलाड़ी मैं था। मैं हाल ही में ली से मिला था। बदली ही नहीं, वैसे ही खूबसूरत है। निकलो यहाँ से। और अब मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी। लेकिन ये प्रेगनेंसी, इसकी एक वजह जबरदस्ती भी है। आप रिजल्ट देख सकती हैं। लियाना, तुम मुझे साफ साफ बताओ ना। दूसरा बच्चा। मैं इस बच्चे के साथ नहीं रह सकता। जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते।